कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी छोड़कर झुग्गियों में जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, म्यूजिक सिखा रहे हैं, खेल सिखा रहे हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स या ऑर्गन डोनेशन करो चुतिया। सो उसी बिग हीरोज को अब हम लोग नेशनल कर रहे हैं, तो इंडिया में जितने भी हिंदी स्पीकिंग स्टेशन हैं उन सब पर सुनाई देगा। और चूंकि ट्रैफिक फिल्म रिलीज हो रही है और उसमें जो अनसंग हीरोज की ही कहानी है, ऐसे ही हीरोज जिनकी कहानी हम बिग हीरोज में सुनाते हैं, सो इट्स अ प्लेजर टू इन्वाइट मनोज बाजपेई एंड जिमी शेरगिल। बहुत बहुत स्वागत। हाँ, बीच में तो कम क्लोजर किरदार है एक ट्रैफिक कांस्टेबल का, जो अपने जीवन में बहुत सारी बदनामी को झेल रहा है। उसे गलती हुई थी जिंदगी में, जहाँ पर अपनी सारी इज्जत और प्रतिष्ठा गंवा चुका है। उसके पास एक मौका है अपने आप को साबित करने का, और दुनिया के सामने और अपने परिवार के सामने नजरें उठा के चलने का। और वो मौका जो है काफी असंभव सा है, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। जब जिमी शेरगिल का किरदार जब उन्हें यह जिम्मेदारी देता है कि ऑर्गन को मुंबई से पुणे 150 मिनट में लेके जाना है, नहीं तो उसके बाद जो दिल है, हार्ट है, वो ऑर्गन किसी काम का नहीं रहेगा, तो ये सफर पूरा होता है उससे या नहीं होता है। एक्चुअली ये घटना के दौरान हुआ क्या था, ये सारी चीजें आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। एक थ्रिलर है, बहुत ही फास्ट पेस्ड फिल्म है, ये तेज गति से ये फिल्म चलती है, और उस जर्नी से, उस यात्रा से मुंबई टू पुणे बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, ना सिर्फ मेरी, एक ट्रैफिक कांस्टेबल की और या कमिश्नर की, बल्कि एक लड़का जिसके माँ बाप हैं, जो अभी मरा है, और दूसरा बच्चा जिसके अंदर में ये हार्ट को ट्रांसप्लांट किया जाना, वो और उसका फैमिली, और उसके अलावा एक दो और जिंदगियां जो है उसके साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर के दोस्त की। तो ये कमाल का एक पूरा स्क्रिप्टिंग किया है राजेश पिल्लई, जो कि अब हमारी इस दुनिया में नहीं है, 3 महीने पहले ही वो गुजर गए, और वो ये दिन नहीं देख पाए जब हम फिल्म को प्रमोट करते, फिल्म की रिलीज देखते। तो इस तरह से पूरी बनावट है इस फिल्म की, कि फिल्म जब ये फिल्म की एक जर्नी है मुंबई टू पुणे, लेकिन उस जर्नी के साथ में बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। ये फिल्म मलयालम में ऑलरेडी बन चुकी थी और वहां पर बहुत बड़ी सुपरहिट थी, और आशा करते हैं कि इसी तरह का प्यार हमारे हिंदी ऑडियंस से मिलेगा, हिंदी समझने वालों से मिलेगा। जिमी, जब थ्रिलर की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा सुपर ह्यूमन नहीं है, कोई सुपर पावर्स वाला कोई एक्टर नहीं है, बात ये हो रही है कि आम इंसान भी, चाहे वो वर्दी वाला हो या बिना वर्दी वाला, कुछ ठान ले तो कर सकता है। टॉकिंग अबाउट दैट,
हाँ जी, आई थिंक मेरा भी किरदार जो है वो कमिश्नर ऑफ द ट्रैफिक डिपार्टमेंट, और उसमें किस तरीके से वो अपने लॉजिक्स के हिसाब से वो साफ साफ बोल देता है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, और मना कर देता है कि आई विल नॉट लेट दिस हैपन बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें गलत भी हो सकती हैं। मगर किसी एक पॉइंट के बाद उसको खुद को रियलाइज होता है कि शायद उसकी खुद की भी रिडेम्पशन इस चीज में है, क्योंकि इम्पॉसिबल नाम का कोई वर्ड तो होता नहीं है, एंड बिकॉज कुछ चीजें उसके आसपास ऐसी हो जाती हैं, कुछ लोग ऐसी चीजें ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे कि उसको खुद को रियलाइज होता है कि मैं मुझे ये करना चाहिए, और इसको इसके पीछे एक कोशिश जो है वो होनी चाहिए, और जो होती है और जिस हिसाब से वो हार्ट को जो है वो ट्रांसफर किया जाता है, और किस तरीके से सबकी रिडेम्पशन है उस कहानी के अंदर। सो आई थिंक 150 मिनट में कितना किलोमीटर, 2.5 घंटे में आप एक डायलॉग है उसमें, 150 मिनट, 150 मिनट, हाँ 150 मिनट में। विशाल, आपकी पहली फिल्म है, आपका एक्सपीरियंस, आप कह रहे थे इन लोगों साथ आपने काम तो नहीं किया लेकिन ट्रैफिक का हिस्सा होने पर आपका एक्सपीरियंस? जी एक्चुअली जब मैंने वो मलयालम फिल्म देखी थी तभी से मैं उस फिल्म का हिस्सा बनना चाहता था, और जब मुझे पता चला कि जिमी सर और मनोज सर उस फिल्म में हैं, एंड यू नो दिव्या मैम फॉर दैट मैटर, सचिन खेड़ेकर सर, सो ये सब इतने बेहतरीन एक्टर्स हैं कि मेरे लिए एक उस प्रोजेक्ट का हिस्सा होना जहाँ पर ये सब लोग एक साथ हैं बहुत बड़ी चीज़ रही है, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म बिकॉज एक तो ये फिल्म इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, इट्स अ ट्रू स्टोरी, एंड उसके साथ साथ मुझे बहुत कुछ सीखने का को मिला है इस फिल्म से, एंड वी आर गिविंग अ वेरी गुड मैसेज टू सोसाइटी, सो आई एम वेरी वेरी लकी एंड वेरी हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इट्स पार्ट ऑफ दिस फिल्म। मनोज जी, विशाल, हमारे साथ तीन ऐसे रियल लाइफ हीरोज हैं, ट्रैफिक कांस्टेबल्स हैं, उनको हम बुलाना चाहेंगे, आपसे मुलाकात करवाना चाहेंगे। विश्वास काशीनाथ भोयर, रमाकांत मनोहर बलगुजर और अमित मानिकराव गायकवाड़, चाहेंगे अगर आप इनको फेलिसिटेट करें। लोग असली जिंदगी में ऐसे ग्रीन कॉरिडोर्स बनाते हैं, ट्रैफिक मैनेज करते हैं, जब कभी किसी की जान पर बनाए तो अपना कोई एक एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम है विश्वास भोयर, हम हर बार हम ट्रैफिक पुलिस काम करते हैं रास्ते के ऊपर, कभी कभी ऐसा टाइम आता है वहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर बोलते हैं जो हार्ट ट्रांसपोर्ट में किया जाता है, तो एम्बुलेंस मूवमेंट के लिए रास्ता पूरा क्लियर रखना पड़ता है। अभी 8 अगस्त को एक मूवमेंट था, पुणे से हार्ट आने वाला था और फोर्टिस हॉस्पिटल में जाने का था, उसके लिए हम लोगों ने गेट नंबर 8 एयरपोर्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट से वो रास्ता पूरा क्लीन करके रखा था कि वो मूवमेंट अभी नॉर्मल मोड पे 1 घंटा लगता है जो जाने के लिए, वो उस टाइम पे सिर्फ 17 मिनट्स में पार करके गए थे, पूरा रास्ता क्लियर किया था हम लोगों ने, पब्लिक को रुकाया था, ट्रैफिक को रुकाया था, और वो जो टाइमिंग है वो रिकॉर्ड टाइमिंग हो गया था, सब मीडिया में सब चैनल के ऊपर सब पुलिस का नाम रोशन हो गया था उस टाइम पे, तो हम लोग ज्यादा तो ऐसे ही काम करते हैं जहाँ से किसी की जान बच जाएगी या सब लोग जल्दी से जल्दी उनके घर पे जा सकेंगे, उनके फैमिली में जा सकेंगे। हम लोगों को अच्छा लगता है कि आपने आप लोगों ने यहाँ पे हमें बुलाया और हमारा थोड़ा सा सुन के लिया, थैंक यू। कभी कोई इनके अलावा कोई और इंसिडेंट जो देखिए हम लोग एक ही लाइन से एक ही लाइन और मैं थोड़ा बोल सकता हूँ क्या होता है हम लोग रास्ते के ऊपर काम करते हैं, पब्लिक को लगता है पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग इतना गाली सुनते हैं, पोल्यूशन में रहते खड़े रहते हैं धूप में बारिश में, और सबका सुनना पड़ता है, ट्रैफिक निकालना, पब्लिक का गाली सुनना, ऊपर से बोलेंगे अरे पैसा लेता है ये करता है, लेकिन क्या है पब्लिक भी उतना ही ये करती है,
अरे सुनता ही नहीं, कोई सिग्नल जंप करेगा तोड़ेगा, रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, पुलिस को बहुत तकलीफ है, लेकिन हम भी हमारा फर्ज है इसलिए काम तो करना ही पड़ेगा। सब काम जैसे मनोज जी बोले क्या कांस्टेबल भर्ती होने के बाद हम लोग पहले सोचते हैं चलो कांस्टेबल भर्ती होते, लेकिन बाद में बोलते काहे के लिए आया, ये बात है, क्योंकि बहुत तकलीफ है उनको। अभी उन्होंने फिल्म में काम किया है तो सबको मालूम हो जाएगा काम पुलिस का बहुत हार्ड है। बिल्कुल, चलते चलते मनोज जी बिग हीरोज 92.7 पे गए, पर हमने एक कोशिश शुरू की है कि लिसनर्स को पता चले कि ऐसे बहुत सारे लोग हमारे समाज में आसपास होते हैं जो बहुत बड़ा काम करते हैं और वो असली जिंदगी के बिग हीरोज होते हैं। बिग हीरोज के बारे में आप कुछ